जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्या हाल चाल बच्चा लोग? हाँ, सब ठीक ठाक, बढ़िया, मजा है कि नहीं बच्चे? लास्ट क्लास में सर अपन लोगों ने तो बहुत ही ढंग की चर्चा की हुई थी, है कि नहीं बड़े कंडक्टर यार, दिमाग में घोल के पी ले, क्योंकि कंडक्टर से लगातार सवाल आते ही रहते हैं। कंडक्टर का बाबू जो कॉन्सेप्ट है ना, अपने को पूरा ढंग आना चाहिए। कंडक्टर के साथ अपने को कोई लापरवाही करने की बात नहीं है, क्योंकि आईआईटी वाले जब भी क्वेश्चन घुमाएंगे यहाँ से ही कॉन्सेप्ट उठाएंगे। कॉन्सेप्ट बाबू यहाँ का स्टार मार्क कर लो, कॉन्सेप्ट में कोई कमी होनी नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट केवल एक दो चीज है, ठीक है? बेसिक में बाबू ये सब कुछ तुम्हें बताया जा चुका है लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास नहीं देखी है जाके तुरंत देखो, मैं रिवाइज किए देता हूँ। कंडक्टर में बाबू तीन प्रॉपर्टी अपनी जो बेसिक की है, पहली प्रॉपर्टी जान लो। सबसे पहली बात कंडक्टर की ये है क्या, कि कंडक्टर के अंदर क्या बाबू, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा। कहाँ? सुचालक के अंदर, सुचालक के अंदर, सुचालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बाबू क्या होगा? सुनना होगा। दूसरी बाबू मेन चीज जो जानने की है वो क्या है? बस तीन बातें मैं बता रहा हूं। पीछे मैंने पीछे भी काफी कुछ बताया है, आगे भी मैंने काफी कुछ लिखा जाए, लेकिन अब मैं यहां दिखा रहा हूं तीन बात। कंडक्टर पे बाबू पोटेंशियल ओवरऑल सेम होता है। क्या बाबू? कंडक्टर के पूरे सतह पर, पूरे सतह पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि आवेश वितरण, आवेश वितरण कुछ भी हो, आवेश वितरण कुछ भी हो, लेकिन लेकिन क्या बाबू, लेकिन पोटेंशियल समान रहता है, लेकिन पोटेंशियल समान रहता है। बाबू मैं लिख रहा हूं इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? वरना मैं लिखता नहीं बाबू। एक एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी जितने क्वेश्चन कराऊंगा सब यहीं से कराऊंगा, और आज मैं केवल 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 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। पहली बात बता दूं बाबू क्या कराने वाला हूँ, मैक्सिमम मैं क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ, ज्यादा कुछ अपने को पढ़ना नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तीसरी बात बाबू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या सोचो क्या क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। पहली चीज बता दी बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, पूरे सतह पर आवेश वितरण कुछ भी हो, लेकिन अपना पोटेंशियल समान होगा, है कि नहीं? तीसरी चीज मेरे भाई इससे है, जैसे लिंकिंग से, क्या चीज? लिंकिंग से। अगर किसी को धरती से जोड़ेंगे, क्या चीज? धरती से जोड़ने पर, धरती से जोड़ने पर धरती से जोड़ने पर उसे ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है? वी बराबर सुनना हो जाएगा, लिख लिया? हाँ सर, धरती से जोड़ने पर वी बराबर सुनना। एक बात और है कि अगर कंडक्टर के बाबू, कंडक्टर के जस्ट सरफेस पर बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? ठीक परपेंडिकुलर होती है। कैसी होती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। दूसरी चीज क्या है, कंडक्टर के सरफेस के जस्ट आई, कंडक्टर के सरफेस के, कंडक्टर के सरफेस के जस्ट पास, जैसे कंडक्टर के सरफेस बाबू यहाँ पे सिग्मा है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? कंडक्टर के सरफेस के जस्ट पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ए भी बाबू, चलो इसे भी लिख लो, दो पॉइंट और लिख लो, दो पॉइंट और लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होती है टू तल सतह, सतह लिखते हैं सतह। और दूसरी चीज लिख लो, ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जस्ट कहाँ, सतह के नजदीक, सतह के नजदीक, नजदीक, ठीक है? सतह के बिल्कुल पास बाबू, सतह के बिल्कुल पास, ऐसे लिख सकते हो, सतह के बिल्कुल पास, सतह के बिल्कुल पास क्या होती है बाबू? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। यह पांच बिंदु रट लो, इन्हीं पांच बिंदु से तुम्हारा आने वाला सारा क्वेश्चन क्या है, होने वाला है। क्या चीज सर? इन्हीं पांच बिंदुओं से अपना आने वाला सारा क्वेश्चन
होने वाला है। समझ में आ गई बात? हाँ सर, समझ में आ गई। आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़ते हैं। सब कुछ बताया जा चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक संतुलन के बारे में भी सब कुछ बताया जा चुका है, ठीक है। ये सब बाबू मैंने बता दिया है कि नहीं बता दिया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कैविटी के बारे में ही बाबू मैंने बता दिया है, ठीक है। अब आते हैं बाबू हम लोग सवाल पर। बहुत ही बाबू अब मैं बेसिक सा सवाल आपके लिए लेने वाला हूँ। कैसा बाबू? बहुत ही बेसिक सा। सबसे पहला सवाल है बाबू अपना, आई थिंक करवा दिया होगा। ए बाबू कंडक्टर है जिसका रेडियस आर है। क्या है बाबू जिसका रेडियस आर है? इसके ऊपर चार्ज बाबू क्या है? क्यू है। इसके ऊपर चार्ज क्या है? क्यू है। एक बाबू छोटा सा, इसके ऊपर चार्ज बाबू क्या है? इसके ऊपर चार्ज, इसका मान लो रेडियस टू आर, इसका ले लो आर। इसके ऊपर चार्ज है क्यू, छोटा वाला क्यू, छोटा वाला क्यू, ठीक है। हाँ यार छोड़ो, इसके ऊपर चार्ज है जीरो, इसके ऊपर चार्ज कितना है? जीरो। अगर बाबू हमने इन दोनों को क्या किया? जोड़ दिया। ए इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल बाबू क्या है? इनिशियल है इनिशियल कंडीशन। इनिशियल में बाबू क्या है कि q, कमा टू आर एंड जीरो कमा आर। फाइनल कंडीशन बताओ, अगर इनको अपन ने क्या किया बाबू, कंडक्टिंग वायर से, थिन कंडक्टिंग वायर, किसी पतले सुचालक तार से जोड़ दिया, किसी पतले सुचालक तार से जोड़ दिया, तो बाबू क्या होगा? जल्दी से बताओ मेरे को, जल्दी से करो, जल्दी से करो, जल्दी से करो। क्यों? क्योंकि आपको सारा कॉन्सेप्ट पता है। कॉन्सेप्ट क्या है बाबू बताओ? यहाँ पे कंडक्टिंग वायर, सुचालक तार, पतले सुचालक तार से अपन ने इन्हें जोड़ा है, बताओ बाबू क्या होगा? सर अपन ने इन्हें जिन पतले सुचालक तार से जोड़ा है ना, उसके बाद होता ऐसा है, क्या होता है जल्दी बताओ मेरे को। ऐसा कुछ हो रहा है ना, मतलब कि सीट लग जा रही है। कोई नहीं, चलो यार अब की गड़बड़ हो गया यार, पहले तो मैं सीखा हुआ था ये सब है? मुझे आजकल आ नहीं रहा है आई थिंक। कोई नहीं, चलो अब ऐसे ही करते हैं, क्या करेंगे, इसको मैं फैला देता हूँ। चलो अभी कर लेता हूँ मैं, आगे बढ़ जाऊँगा अभी मैं। चलो देखो यार बाबू, कितना सुंदर लग रहा है ना, लोगो भी हट गया। कोई नहीं, आओ यार काम पे आते हैं, सुंदर लगे ना लगे। देख भाई ऐसी बात है ना, यहाँ पे बाबू फाइनल में पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। फाइनल में क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा। V1 इज इक्वल टू V2 करना है। V1 क्या है बाबू तुम्हारा? V1 है, यहाँ ले लो क्यू डैश, यहाँ ले लो, इसे ले लो Q1, इसे बाबू क्या ले लो Q1, इसे ले लो Q2। ये फाइनल लिख रहा हूँ बाबू मैं, तो फाइनल बाबू के Q1 by 2R is equal to K Q2 by 2R। क्लियर है? सॉरी R हो गया ना, वहां तो रेडियस R है, K Q2 by R। तुम्हें बाबू यहां से कुछ रिजल्ट मिल गया? हाँ सर मिल गया। दूसरा रिजल्ट क्या है बाबू? चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो क्यू चार्ज था वो ना तो बढ़ने वाला है ना तो घटने वाला है, क्योंकि बाहर से टोटली आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब उसके ऊपर कोई बाहरी प्रभाव नहीं है। जब बाहर का प्रभाव नहीं है तो क्यू बराबर Q1 प्लस Q2 है कि नहीं? हाँ सर क्लियर है। यहाँ से बाबू गेट करोगे तो Q1 बराबर 2Q2, 1:2 का रेशियो है। अगर इस पे दो चार्ज है तो इस पे तीन चार्ज है, एक एक चार्ज है, तो एक और दो हो गया तीन, इसका मतलब 2Q/3 और Q/3। ये तो कैलकुलेशन बाबू दिमाग की खेल, छोटी सी बात है। हाँ यहाँ से रेशियो मिल रहा है ना, Q1 बराबर 2Q2 मतलब एक एक बराबर दो। यहाँ पे दो है तो यहाँ पे एक है, ठीक है। इस पे दो चार्ज है तो इस पे एक चार्ज है, इसका मतलब टोटल तीन चार्ज है। तो 3 बराबर क्यू, 2 बराबर 2Q/3, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
ना। आगे बढ़ते हैं बाबू, अपना अगला क्वेश्चन बाबू आप लोगों के लिए स्क्रीन पे ए है, देखिए जरा सा क्वेश्चन है बाबू। ऐसे करो, चलो छोड़ो पहले सिंपल सिंपल करते हैं, लेट कर लो। इसके ऊपर चार्ज बाबू क्यू है, क्या है इसके ऊपर चार्ज क्यू है। तो तुम लोगों को मालूम है कि इसके ऊपर चार्ज इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। हाँ सर अपने को पता है, ठीक है। तो तुम इस सीट को बाबू ऐसे कंसिडर करोगे कि क्यू बाई टू इधर है, क्यू बाई टू इधर है। अगर मैं तुमसे अंदर के भी अंदर का पूछूंगा, अंदर का पूछूंगा तो अंदर का तुम दोगे सर इधर भाई इधर, इधर का इधर जीरो हो गया, ई वन ई टू जीरो हो गया। लेकिन बाबू जब इधर की बात करूंगा तो इधर के लिए दोनों मिलके समान हो जाएंगे और इधर क्या हो जाएगा, क्यू बाई सॉरी क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट है कि नहीं मेरे भाई, सोच के बताना यार जल्दी से। हाँ सिंपल सी बात है ना। हाँ सर ये सिंपल सी ही बात है। देख बाबू, अब बाबू मैं इसी को बाबू मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाने वाला हूँ। देख कैसे, मैं कहूँगा तेरे लिए आज तीन चार्ज हैं, क्यू माइनस थ्री क्यू टू क्यू। मैं पूछ रहा हूँ पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे, पॉइंट डी पे, बता दो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र मेरे को बताओ, ई का मान बताओ, ए पे बी पे सी पे डी पे। जल्दी कर ले भाई छोटा सा सवाल है, गॉट इट, जल्दी कर। जल्दी कर भाई जल्दी कर। जल्दी कर भाई जल्दी कर। बाबू कुछ नहीं करना है तेरे को, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सवाल है यार। अच्छा माइनस थ्री क्यों है ना, वेरी गुड, एक माइनस भी होना चाहिए था। हाँ देख यार मैं बताता हूं तेरे को बाबू, ये इजी है। क्यों? क्योंकि देख सीधी सी बात, ए पे पकड़ो, तुम्हारे पास बस एक ही फॉर्मूला है, क्या क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई, ठीक है इसी को पकड़ेंगे। देख भाई ए प्लेट वन, ए प्लेट टू, ए प्लेट थ्री, क्लियर है? हाँ सर, प्लेट वन, प्लेट टू, प्लेट थ्री, प्लेट वन, प्लेट टू, प्लेट थ्री। हाँ ठीक है, अब आ जा इस पे आ जा। ए के ऊपर सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री। हाँ सर क्लियर है? क्यू टू क्यू थ्री क्यू थ्री क्यू थ्री क्यू जीरो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई जीरो। इधर आ जा, इधर भी वही हाल है, क्यू टू क्यू थ्री क्यू थ्री क्यू जीरो, इधर भी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इधर आ जा बीच में, क्यू देख भाई क्यू के कारण किधर होगी, क्यू से इधर, टू क्यू से इधर, माइनस थ्री क्यू से इधर, ठीक है? ई वन ई टू ई थ्री, यहां पे मैं साइन नहीं ले रहा हूं, क्या बाबू साइन नहीं ले रहा हूं, ठीक है? तो खुद सोच, दो और तीन पांच, तो फाइव क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, टू ए एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया बाबू, यहां पे लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? और माइनस क्यू है, माइनस क्यू ए बाई क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? फोर बाई टू, टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, सीधी सी बात जान हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मैं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ, ई वन ई टू ई थ्री, मैं तीनों लगा के जोड़ दे रहा हूँ, सीधी सी बात है भाई, कुछ नहीं लिख रहा मैं। कुछ कुछ मैं कर ही नहीं रहा। बी पे भी ऐसे ही कर लेगा ना भाई, बी पे देख ई टू अपना इधर आएगा, हाँ सर, ई वन इधर आएगा, हाँ सर, ई टू इधर आएगा, हाँ सर, तीन तीन है ना इधर, ई टू माने तीन, ई वन माने एक, चार, तीन एक चार, चार माइनस दो दो, तो टू तो नेट किधर आएगी भाई, नेट इधर आएगी, टू क्यू बाई
टू ए एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या हुआ वन। सिंपल सा है कि नहीं यार, सोचना। हाँ, तीन दो पाँच माइनस एक सात चार, चार बाई दो, समझ में आया कि नहीं? हर पॉइंट में निकाल दी ना। हाँ सर, निकाल दी। बता अंतर क्या है बी और सी पे? सर बी और सी पे अंतर है ना, बी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की हो रहा है, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ए पे इधर, सॉरी बी पे ऐसे है और सी पे ऐसे है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ऐसे है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है। गॉट इट? हाँ सर, समझ में आ गया। आगे बढ़िया है भाई, सिंपल सा सवाल था ना यार। हाँ सर, सिंपल सा ही था लेकिन सर घुमा दिया था आपने। ठीक है भाई, घुमाना तो भाई मेरा काम है ही। देख भाई, अब इसके बाद आता है यार थोड़ा सा कैविटी में बात करेंगे। किस में बात करेंगे? कैविटीज़ में। हाँ, अभी ऐसा नहीं कि अभी मैं इस टॉपिक को छोड़ रहा हूँ, अभी थोड़ा सा तुम लोग टाइम ले लो, इसे डिसॉल्व करो दिमाग में, ठीक है? तब तक मैं कैविटी पे आता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन करेंगे बाबू अपन कैविटी के, इसको मैं दोबारा लेके आऊँगा ये सब टॉपिक। हाँ चलो, सब कुछ मैं क्वेश्चन में कराने वाला हूँ, ठीक है? तुम्हें बस कैविटीज़ के क्वेश्चन में बाबू बस इतना ही पूछा जाएगा, जेई मेंस में सब आसानी से आता रहता है, ठीक है? आने जाने वाले हैं डेली के। तुम्हें बस ये बताना है, यूनिफॉर्म तुम्हारा जो आवेश का वितरण है, आवेश का वितरण है वो समान रूप से है कि असमान रूप से है, ठीक है? आवेश वितरण समान है या फिर असमान है कि है, ठीक है? बस वही वही बस तुम्हारी दो चीजें हैं, समान है कि असमान है, क्लियर है? पहला बाबू तुम्हारा यह है, ठीक है, S1, S2, तुम्हारा चार्ज बाबू Q चार्ज यहां पे है, Q चार्ज के कारण बाबू तुम्हारे पास कैसे बाबू प्रेरित आवेश आएंगे? तुम्हारे पास जो प्रेरित आवेश है वो S1 पे भी आएगा, S2 पे भी आएगा। पहली बात बताओ, S1, S2 पे बाबू आवेश कितना कितना आएगा? सर अपने को पता है S1, S2 पे कितना कितना आवेश प्रेरित होगा। यहाँ पे Q है तो यहाँ पे बाबू माइनस आवेश कितना, माइनस Q, ऊपर कितना आवेश, Q। सिंपल सी बात है। हाँ सर बताओ, अब ए Q क्या समान रूप से वितरित होगा कि असमान रूप से? सर S1 और S2 दोनों पे समान रूप से, समान रूप से। आंसर बहुत ही सिंपल था, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं यार, बाबू Q जो है वो सेंटर से अलग है, इसे सर्किल मानो, ठीक है? सर्किल मानो, Q सेंटर से अलग है। अब बताओ, Q सेंटर पर नहीं है, अब बताओ क्या होगा? S1 S2 क्वेश्चन टू थ्री देखो, देखो भाई हुआ ना कितना सुंदर, यही तो मैं कर रहा था, यही नहीं हो रहा था पिछली बार। मैं बता दूं आंसर, लिख देता हूं, क्वेश्चन थ्री हो गया ना, क्वेश्चन फोर है मेरे भाई। बिल्कुल सेंटर पे है भाई क्यों, बहुत है, तुम लोग समझ जाओगे, इतने में होशियार हो तुम लोग, बहुत है। कितना करेंगे, एक और कर लो। देखो भाई आंसर लिखता हूं मैं बाबू, S1 S2, S1 पे भाई असमान, S2 पर समान, कितना माइनस क्यू क्यू। एस वन पे आएगा बाबू माइनस क्यू कैसा, असमान, एस टू पे आएगा समान क्यू। यहाँ बाबू क्यू है ना, देखो यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन फोर क्वेश्चन फाइव, क्यू बीच में है ना बाबू, ऊपर का सरफेस समान है। देखो तुमको इतना जानना है, सरफेस पे चार्ज कितना आ रहा है, सरफेस पे चार्ज आ रहा है क्यू माइनस में, ठीक है? सरफेस पे जो बाबू वितरण होगा ना,
इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू तो तुमको ऐसे मालूम चलेगी, कितना चार्ज, चार्ज का वितरण कैसा होगा, वितरण कैसा होगा, ये तुमको सरफेस बताएगा, ये तुमको सतह बताएगी। अगर सतह अपनी अच्छी है, क्या अगर अपनी सतह क्या कहते हैं, समान रूप वाली है, अगर अपनी सतह में कोई कोना ओना नहीं आ रहा है, सर्कुलर है तो समान, अगर ऐसा टेढ़ावा कुछ है असमान। खत्म बात। हाँ सर क्लियर है, यहाँ तुम लोग कर ही लोगे। अगर बाबू ये सिमेट्री पे नहीं है, जो इंडिक जो चार्ज है अगर वो सिमेट्री से हटा हुआ, देखो यहाँ सिमेट्रिक है ना, तो यहाँ पे बाबू ज़्यादा चार्ज रहेगा, यहाँ पे कम चार्ज रहेगा, इसलिए यह अभी क्या हुआ असमान, यहाँ पे क्या हुआ असमान, क्योंकि टेढ़ा है, असमान असमान दोनों ओर। ठीक है, आ गई भाई इस बात समझ में? हाँ सर आ गई, थोड़ी थोड़ी बात थी, है कि नहीं? अरे सर आप कुछ भी बता दो भाई, मेरी बात नहीं है यार, जनरल बात मैं बता रहा हूँ। लिख लिया भाई? चलो भाई आते हैं आगे। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है बाबू मेरा, जो तुम्हारे पास सीट होती है, सीट होगी ना पतली सीट, उसमें भी अपने पास दो साइड होती है कंडक्टर में, क्यों? क्योंकि अपने पास जो बाबू सीट है ना, इसका मतलब होता है एक पार्ट ए, एक साइड, एक सतह दो। समझ गए? हाँ सर समझ गए। और सतह एक पे कुछ चार्ज आएगा, सतह दो पे कुछ चार्ज आएगा। ठीक है, अगर बाबू एक सीट ऐसे रख दी, इस पे चार्ज क्यों दिया, तो तुम जानते हो क्यू बाई टू इधर, क्यू बाई टू इधर, लेकिन अगर मैंने सामने वाले भी कुछ इलेक्ट्रिक, मान लो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, तो तुम जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड आवेशों को धक्का देगी, बल लगाएगी ना, तो कुछ ऐसे वितरण होगा कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल किया जाए। तो ठीक है, आते हैं सबसे पहले, इस बात पे आते हैं कि मैं खुद ही बना दे रहा हूं, इस पे चार्ज है बाबू क्यू, इस पे चार्ज है तुम्हारा टू क्यू, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब बताओ मुझे, देखो एक चीज याद रखना, क्या सतह का सतह पे आवेश का वितरण इस प्रकार से होगा, सतह पर आवेश का वितरण इस प्रकार से होगा कि इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड आए चलेगा, इस पर आए चलेगा, इस पर आए चलेगा, इस पर आ जाए या इस पर आ जाए नहीं चलेगा। यहीं से आवेश का वितरण तुम सीखने वाले हो। बताओ कहाँ से सीखने वाले हो? सर यहीं से। बताओ मुझे आवेश का वितरण सतह एक पर, सतह चार पर कितना कितना होगा? सतह एक और सतह चार पर प्रेरित आवेश होंगे, ऑप्शन एक, ऑप्शन दो, ऑप्शन तीन, ऑप्शन चार, ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा। जल्दी करो, तब तक मैं थोड़ा पानी पीता हूँ। ठीक है, तब तक मैं पानी पी रहा हूँ, तुम्हारे सामने पी रहा हूँ यार। अच्छा सर आधा पानी है, पूरा ले लेता हूँ यार, क्या जा रहा है। जल्दी सोचो, जल्दी करो, मैंने तुम लोगों को बाबू पूरा हिंट दे दिया है, कैसे करना है तुमको पता है। ठीक है, जल्दी करो। जल्दी करो, देखो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बाबू, ठीक है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलने वाली, किसी एक पॉइंट को तू ले ले, दोनों के चक्कर मत पड़, किसी एक पॉइंट को तू ले ले उस जगह पे, इसके कारण, इसके कारण देख, चार सतह है ना तेरे पे, सतह एक देख, वन लिख, टू लिख, थ्री लिख, फोर लिख, ठीक है, सतह लिखाना। अब तू ऐसे लिख यहां पे, देख देख मैं कैसे बता रहा हूं, इस पॉइंट को पकड़ाना, हाँ इस पॉइंट को पकड़, मिट यार फालतू का, ठीक है देख, इस पे भाई सब पॉजिटिव है, ऐसा मान, सब क्या है पॉजिटिव है, कुछ भी निगेटिव नहीं है। अपन मानते हैं यहाँ पे एक्स चार्ज है, कितना चार्ज है, एक्स चार्ज है, इस पे कितना चार्ज आएगा खुद बता, खुद बता, ध्यान से बता, इस पे चार्ज आएगा क्यू माइनस एक्स, क्यों? क्योंकि चार्ज जो क्यू है ना वो तो बदलने वाला नहीं है, चार्ज जो भाई मेरे क्यू है वो क्या है, खुद बदलने वाला नहीं है। जब बाबू क्यू चार्ज नहीं बदलेगा तो खुद सोचना, अगर बाबू क्यू चार्ज नहीं मिलेगा तो इनको जोड़ने पे क्यू आया ना, हाँ सर क्लियर है, अगर ए बाबू क्यू माइनस एक्स हुआ ना, इधर वाला एक्स माइनस क्यू होगा,
सर ऐसा क्यों भाई, मेरा मन कह रहा है। सोच जरा सा, सोच 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 जल्दी सोच, ऐसा क्यों है, ऐसा सोच भाई, ऐसा क्यों है, सोच। सोच लिया? नहीं सोचा, कोई बात नहीं, अभी प्रूव हो जाएगा। अगर तेरा मन कर रहा है लेने का ले ले, अगर नहीं ले रहा है ना कोई बात नहीं, मैं इसे प्रूव कर देता हूँ। अभी के लिए इसे मैं छोड़ता हूँ, अभी मैं इसे आगे लिखूंगा। यहाँ ले ले भाई, इसे लिख ले 2Q- भाई। आप खुश, खुश है ना आप? आप खुश है कि नहीं? हाँ आ जा भाई, देख E1 2 E1 3 E1 4, ठीक है। E1 के कारण E1 इधर होगा, E1 बाकी सारे तीनों इधर लिखेगा, E2 E3 E4 क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, लिखता हूँ। देख भाई, Q minus X plus Y plus 2Q minus Y by 2A epsilon naught, ठीक है। ऐसे नहीं लिखते हैं, इतना लिख लिया ना, देख इसको जोड़ा इसको जोड़ा इसको जोड़ा इसको जोड़ा इसको जोड़ा इसको जोड़ा, अभी काम नहीं बना, इसमें से घटाना भी है, इसमें से माइनस किया एक्स को, इधर वाला इधर जाना ना, माइनस किया एक्स को, कर दिया, हाँ सर कर दिया, ठीक है भाई। इज इक्वल टू 0 लिखेगा, हाँ सर 0 लिख दिया, 0 इधर लिख रहा हूँ। Q 3Q प्लस वाई माइनस वाई, 0 कर दूं, माइनस एक्स माइनस 2x बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ सर जी ठीक है, आ जा भाई, कितना आ रहा है आंसर, 2x बाई, इसे उधर कर ले, x बाई a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 3/2 क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट काट दे, x इज इक्वल टू 3Q/2। एक्स बाबू कितना आ गया तेरा, 3Q/2। एक्स कितना आ रहा है भाई तेरा, एक्स कितना आ रहा है, एक्स बराबर 3Q/2, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब सेम भाई जब मेरे इस साइड करेगा ना, देख इस साइड, देख इस साइड क्या होगा भाई, E4 ऐसे हो जाएगा, बाकी सारे E1 E2 E3 ऐसे रहेंगे, कर लें? हाँ सर कर लेते हैं। देख x प्लस q माइनस x प्लस y माइनस 2Q - Y माइनस 2Q+Y, सोच ले जल्दी सोच प्लस y होगा, बाई क्या भाई, 2Y0 इज इक्वल टू 0, इसे उधर कर दे, हो गया 0, x माइनस x कैंसल, y क्यू बाबू कितना हुआ, माइनस क्यू माइनस 2Q, क्यू माइनस 2Q माइनस क्यू माइनस क्यू, y कितना हुआ भाई, 2y हो गया ना, इज इक्वल माइनस 2 माइनस क्यू प्लस 2y बराबर सुनना y बराबर Q/2, भाई कितना आया तेरा y, Q/2, कर लें? कर लेते हैं, ठीक है, मेरे को चीजें याद हैं, मैं करता हूँ, ठीक है। अच्छा कितना छोटा लगता है ना सुंदर में, सॉरी कितना सुंदर लगता है ना छोटे में, ऐसे बोलना था मेरे को, नजर आ रहे हो मुझे तुम अभी से, वाई भाई तेरा Q/2 है तो बता A2 क्यों था, तो ये कितना हुआ था 3Q/2, इधर का चार्ज कितना आया था भाई, इधर का चार्ज आया था 3Q/2, यहाँ का चार्ज भाई कितना आएगा, इधर 3Q/2 है A Q है तो इतना आएगा माइनस Q/2, बता
अगर मैं इसे लिखा क्यू माइनस एक्स तो हुआ ना एक्स माइनस क्यू, आ गया ना। हमेशा जब भी दो सीट ऐसे पैरेलल होंगी तो आपस में अपोजिट चार्ज ही रहेगा। क्या रहेगा भाई? अपोजिट चार्ज। क्या रहेगा आपस में? अपोजिट चार्ज। ठीक है, एक और तरीका बताऊं इसे समझने का, क्या ही बताऊंगा, खुद समझना, यहां दिमाग लगा। इस पे 2q, इस पे q, इसके ऊपर चार्ज कितना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए सर? इधर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सर इधर होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए, इधर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इधर सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई मेरे भाई? सर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कुंडली वन मंडली ई। समझ गया? हाँ सर समझ गया। इधर इधर का चार्ज मिलकर के ई बनाएगा, मतलब अगर इस पे जितना चार्ज होगा उसका अपोजिट चार्ज इस पे भी होना चाहिए। गॉट इट? हाँ सर। समझना, यहाँ पे अगर क्यू बाई टू आया, माइनस क्यू बाई टू आया तो इधर क्यू बाई टू मिलेगा, तब यहाँ के क्यू बनेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे नहीं है, लग जाएगा। यहाँ से तेरा दिमाग समझ में आया तो ठीक, नहीं तो यहाँ से मैंने प्रूफ कर ही दिया। प्रूफ कर दिया तो अब इस रिजल्ट को तू कंटिन्यू करेगा। प्रूफ कर दिया, समझा दिया, आ गया अपने को। अब इस रिजल्ट को अपने को क्या करना है? कंटिन्यू करना है। अपन इस रिजल्ट को याद रखेंगे क्या, कि दो सामने वाली साइड्स पर, क्या भाई? भाई दो सामने वाली साइड्स पर हमेशा चार्ज सेम रहता है। यहाँ एक्स है इस साइड पे, इस साइड पे माइनस एक्स होगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आए भाई आगे बढ़े, आगे सर बढ़ी लेते हैं, क्या करेंगे बैठे बैठे। बढ़ जाए भाई, बोल तू, जल्दी बोल, बोला करो सर, आगे बढ़िए प्लीज। सर कभी आपने प्रेम से, सर कभी आपने हमसे बात की नहीं, इतनी बड़ी बात सर आप कहते हो, हम कैसे आपको आदेश दे सकते हैं? यही सोच रहा हूँ मैंने, तो ऐसा नहीं सोचते। एक बार की बात है, क्या बोलते हैं, प्रभु तर तर कपिडार पर, प्रेम यही होता है। भगवान जो है नीचे बैठते हैं, बंदर लोग ऊपर बैठते हैं। हाँ, इस पे एक जरा दे भैया की लाइन है, क्या बोलते हैं वो, अभी याद आएगी तो सुनाऊंगा, तब तक दिमाग में घूमने दे। क्वेश्चन करते हैं, तो ये मैं क्वेश्चन दे देता हूँ फिर मैं सोचता हूँ, ठीक है? क्यू 3q 2q करो। माइनस कर देंगे इसे, माइनस कर देते हैं, अब सही है, करो। जल्दी कर भाई, जल्दी कर, सवाल लीजिए यार, सवाल कोई टफ नहीं है। कुछ ना करियो, कुछ ना करियो, बस कुछ मत कर, सीधी सीधी बात है, इसको कर दे मोटा। माइनस क्यों है ना? हाँ सर, मोटा कर दिया। मोटा करने के बाद भाई यहाँ पकड़ ले, इसके ऊपर दे एक्स, यहाँ क्या हुआ मेरे भाई बताना? माइनस क्यों माइनस एक्स, क्लियर है? माइनस क्यू माइनस एक्स, अरे खुद सोचना, माइनस क्यू माइनस एक्स को एक्स में जोड़, एक्स एक्स कैंसिल, माइनस क्यू बचा। हाँ सर सही है, क्यू प्लस एक्स हो गया, ठीक है, घटा इसमें से थ्री को में से, टू क्यू माइनस एक्स, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इधर आ जा, टू क्यू माइनस एक्स, इधर उल्टा कर, एक्स माइनस टू क्यू, बस काम ऐसे चलने वाला है, इधर का उल्टा इधर, इधर का उल्टा इधर, ऐसे ऐसे करने वाले हैं। 2q माइनस एक्स, एक्स माइनस 2q, इधर क्या हुआ मेरे भाई? एक्स माइनस 2q, ठीक है, 2q में से घटा, जल्दी घटा, फोर क्यू माइनस एक्स, क्लियर है? आंसर क्लियर है, बस कुछ नहीं, यहां भी लिख, देख भाई अपने पास सबके कारण इधर होगा, आंसर क्लियर होगा, अपने को मालूम नहीं कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव है, बस अपने को मालूम है सबके कारण इधर होगा, इसके कारण इधर होगा, एक्स को माइनस करना है अपने को, याद है, ठीक है, सब जोड़ते हैं, चल ठीक है, ऐसे लिखेंगे भाई इसे। देख अब मैं लिखने जा रहा हूँ, छोटा कर दूँ, देख जरा ध्यान से, मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, माइनस एक्स पहले लिख लेता हूँ, अब जोड़ते जाता हूँ,
माइनस क्यू माइनस एक्स प्लस क्यू प्लस एक्स माइनस टू प्लस टू क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस टू क्यू प्लस फोर क्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर तू जरा भी होशियार हो जाएगा ना, अगर तू जरा भी होशियार हो जाएगा फिर तू ऐसे नहीं लिखेगा। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सोच क्यों, अपने को मालूम है ये दोनों जोड़ के तो 3q होगा, ये दोनों जोड़ के 2q होगा, फिर तू ऐसे लिखेगा माइनस एक्स माइनस क्यू माइनस एक्स, यहाँ पे इसको माइनस किया इसको प्लस किया प्लस 3q, क्लियर है, प्लस 3q प्लस 2q बाय 2ε0 बराबर जीरो। हाँ सर समझ में आ गया मेरे को, सॉल्व कर ले भाई और सॉल्व करते हैं। ये क्या है, 2q लिखा था मैंने, 3 × 2 = 5, 5 − 1 = 4, −1 − 2 2ε0 हो गया भाई जीरो, ठीक है, क्या हो गया जीरो हो गया, 4q − 2x = 0, x बराबर कितना हुआ भाई सर 2q, x बराबर कितना हुआ 2q, कर ले जाएगा भाई यहां से, हाँ सर कर ले जाएंगे भाई, 1, 2, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तेरे को आसानी से काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सोचना यार, हो जाएगा ना इजीली, x का लिख देगा 2q, आगे करते जाइए ऐसे। हाँ सर मैं समझ रहा हूँ भाई, तू समझ रहा है, यही तो प्रॉब्लम है मेरे साथ, तू समझ रहा है ना, यही मेरे साथ प्रॉब्लम है, तू समझ रहा है, ठीक है, तू समझ रहा है, यही मेरी प्रॉब्लम है, अगर तू ना समझे तो मैं थोड़ा समझाऊँ। वो पुरानी कहानी है ना कि सर आप समझाते कम हो, मैं ज्यादा समझता हूँ, मैं बहुत पात्र हूँ। ठीक है भाई, हाँ हो गया, ठीक है भाई आगे करते हैं। देखो यार इस टाइप के क्वेश्चन तो तुम कर ले जाओगे, अगर मान लो देखो घुमाएगा हमेशा सर्कल में, सर्कल है ही घुमा हुआ, तो जो चीज़ घूमी हुई है उसमें हमेशा घुमाया जाता है, लेकिन मेरे घूमना मत क्योंकि मैं हूँ ना, मैं घुमा रहा हूँ तुमको। देखो इसमें भाई सेंटर में मान ले क्यू चार्ज है, क्या है सेंटर पे क्यू चार्ज है, तू मेरे को 3 जगहों पे ए बी सी पॉइंट में दे रहा हूँ, पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी, ठीक है, इसका मान ले भाई आर वन आर वन, ए मान ले सॉरी इसे ले ले आर, क्या ले ले आर, इसे ले ले आर, इसको ले ले बड़ा वाला आर, ठीक है, अब मेरे को बता दे ई एट ए ई बी ई सी वी ए वी बी वी सी, देखा यार ये तीनों चीज तू मेरे को बता दे मैं तुझे अच्छा बच्चा मान लूंगा, कि अब तक तूने कुछ पढ़ाई वढ़ाई की है यार। हाँ वही लाइन याद आ गई यार,
दास स्वामी सिर ऊपर हो तो समझो कृपा निधाना, ये लाइन थी। ए चंगू मंगू बंदर अंदर क्या थे, भगवान राम के दास थे, ये लोग सर पे बैठा करते थे। अरे मजा आता होगा यार, एक बंदर, छोटा सा बंदर, इतना प्यारा बंदर, गया होगा भगवान राम के पास, यूं दिया होगा प्रभु, एक बंदर, एक बंदर इन लोगों को मिलेगा क्या, इन लोगों को कंदमूल फल मिला करते थे। कंदमूल मतलब, कंद मतलब होता है तना, और मूल मतलब होता है जड़, और फल मतलब जानता ही है तो फल, यही तीन चीज़ें जंगल में मिलती हैं। तो कोई बंदर कहीं से फल लाया होगा प्रभु, बढ़िया फल, अब भगवान लेके ऐसे तुरंत दिखा लिया, मतलब धोया होगा कुछ नहीं देखते हो तो, भगवान की यही तो खास बात है, तभी तो इतने लोग उनके पीछे पड़ते हैं। जो कृपा की ये होती ना आदत तुम्हारी, जो कृपा की ये होती, देखो संसार में सभी लोग देखते हैं कि ये चीज कैसी है, वस्तु कैसी है। अगर तुम्हारे घर प्राइम मिनिस्टर आए और तुम भले जीवन भर पीड़ा बैठे हो, तुम उसको प्लास्टिक की चेयर दे दोगे तो बुरा मान जाएगा, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। तुम जीवन भर कुर्सी पे बैठे हो और भगवान के पास अगर तुम भाव में उनको पत्तल के ऊपर बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं, वो उल्टा ही बैठते हैं, वो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, अंदर का वो प्रेम देखते हैं, इधर अंदर देखते हैं, तभी तो उधर लोग चलते हैं। तो जो कृपा की हो, जो कृपा की ये होती ना आदत तुम्हारी, जो कृपा की ये होती ना आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, इसीलिए उनकी अदालत भरी हुई है, क्योंकि वहां पे कृपा होती है, देखते ही नहीं पात्र कुपात्र, सब दे देते हैं। आजा भाई यहां पे आजा, क्वेश्चन कर। देख भाई अब मैं आता हूं कुछ सवाल पे। देखो बाबू ये जो पॉइंट ए है ना, इस पर बाबू क्या होगा, इसका बाहर कोई फैक्ट है नहीं, कहां होगा बाबू पॉइंट ए पर पोटेंशियल, सर मान लिया इसकी डिस्टेंस है, अपने मान ली ए, ठीक है ए मान ली ना, तो ई ए हुआ, ई ए बराबर हुआ के क्यू बाई ए स्क्वायर, और कैसे बाबू, मान लो ओ ए तो ओ ए वेक्टर का कैप, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, ठीक है। वी ए क्या हुआ, सर समझ गया के क्यू बाई ए हो गया, ठीक है भाई चलो आ जाओ। ई बी निकालते हैं, सर ईबी के साथ साथ थोड़ा प्रॉब्लम है, ईबी के साथ थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर का सर सरफेस सर अपने आप में सर चार्ज जो डेवलप करता है, इंड्यूस होगा यहाँ पे माइनस क्यों, यहाँ पे क्यों, बोलने का मतलब क्या है जरा, सर बोलने का मतलब मेरा इतना ही है, ईबी होगा जीरो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है टोटल सुनना, बस सीधा मतलब यही है, मैंने कहा हाँ चलो ही मान लिया। देखिए पोटेंशियल बता दे मेरे को, पोटेंशियल बता मेरे को, पोटेंशियल कितना होगा, क्या वी बी भी सुनना होगा, नहीं सर वी बी सुनना नहीं हो सकता, मैंने कहा क्यों भाई, वी बी कितना होगा ये मेरे को बता, यही बाबू मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, वी बी कितना होगा जल्दी से बता दे भाई, वी बी कितना होगा जल्दी से बता दे, वी बी देख कैसे निकाल देते, वी बी वस्तु जान ले, ऊपर वाले सरफेस हो गए, अंदर तो जानते हैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो देख बाहर से इनफाइनाइट से चार्ज लेके आया, इनफाइनाइट से क्यों लेके आया, यहां तक जो काम किया वही काम किया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो काम जीरो, तो वीबीपी आने के लिए तेरे को काम यहां करना पड़ा जीरो, यहां तक कितना काम किया तूने, सर सीधी सी बात है यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल कितना है सर, के क्यू बाई बड़ा वाला आर, बड़ा वाला आर स्क्वायर, क्लियर है बाबू, क्यू कितना है सर, क्यू है क्यू, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, क्लियर है ना बाबू, हाँ सर क्लियर है, चल आ जा भाई वीसी पे आ जाए, जो कृपा की ये होती न आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बाबू इसी क्या होगा, सीधी सी बात है बाबू, तुम भी जान रहे होगे कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग लगती है, अंदर वाला चार्ज बाहर वाले पे कोई प्रभाव नहीं डालता है, डायरेक्टली नहीं डालता, ठीक है अपन जानते हैं, लेकिन बाबू यह वाला जो बाहर वाला चार्ज है, जो प्रेरित आवेश है, वो तो डालेगा ना, हाँ सर समझ गया मैं, प्रेरित आवेश के कारण यहाँ कुछ होगा, तो प्रेरित आवेश के कारण बाबू क्या होगा सर, के
लिख रहा हूं के क्यू बाई ओ सी, केंद्र इसका वो है ना ओ सी स्क्वायर। क्लियर है? आंसर क्लियर है, इसे कर देता हूं। ओसी क्यूब कर देता हूं, ओसी वेक्टर लगा देता हूं। वीसी क्या हो जाएगा मेरे भाई? सर वीसी जान गया, के क्यू बाई ओसी। क्लियर है? क्लियर है। ए तो भाई तेरे को समझ में आ गया। अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, संभालियो ठीक है, कॉन्सेप्ट देख रहा हूं मैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन बॉडी का रेडियस आर है बाबू इस आउटर सरफेस से, इस आउटर सरफेस से बाबू ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में, कैसे रेडियल डायरेक्शन में, छोड़ो मैं दे देता हूं तुमको, जिसे दे देता हूं आर डिस्टेंस पे बाबू मेरा एक पॉइंट है पी, वी सी वी पी लिखना है, V एट P, E एट P लिख दो मेरे लिए। चलो लिखो, ऐसा सवाल लोग कहीं पूछ सकता है। चलो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, लिखो जल्दी, जब मैं बोला करूं लिखो तुरंत, तुम लोग लिख दिया करो। हमारे एक सर कहा करते, मैं इतना डेडिकेटेड हूं पढ़ाने के लिए कि मैं पानी भी नहीं पीता हूं। मैं उनका ठीक उल्टा काम करता हूं, मैं कहता हूं मैं इतना डेडिकेटेड हूं कि मैं पानी पीते पीते पढ़ाता हूं। मतलब मैं पढ़ाने, मतलब मैं पानी, मतलब बस डेडिकेशन ले, इतना सोचो कि मैं इतना पढ़ाता हूं कि मुझे प्यास इतनी लग जाती है, दिमाग ज्यादा चलता है, ऑक्सीजन मिल जाती है इससे, खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, क्या ही करें। कर लिया हुआ यार तुम लोगों ने। हाँ आता हूँ मैं टाइम पे। देखो यार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि करोगे तो ही आएगा, जो करता है उसी को आता है। आता हूँ मैं यहाँ पे, देख भाई। हाँ यहाँ पे बाबू असमान वितरण है ठीक है, यहाँ पे समान वितरण है, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे क्यू। क्लियर है? पी पी आ जाएगा के क्यू बाई आर पी, आर के क्यू बाई आर स्क्वायर, खत्म। आर आर कैप। क्लियर है? सिंपल सवाल था ना यार। हाँ सर सिंपल सवाल था। कंडक्टर में बाबू ऐसे सवालों की कोई वैल्यू अपने ज़्यादा मतलब नहीं है, कंडक्टर में ऐसे सवालों की ज़्यादा वैल्यू का मतलब नहीं है। आगे आता हूँ बाबू, मैं जो क्वेश्चन देने वाला हूँ उससे तुम्हारा काम कुछ होने वाला है ठीक है। हाँ सर देखते हैं, बाबू यहाँ पे बाबू मान लो यहाँ पे चार्ज है क्यों, यहाँ पे है माइनस थ्री क्यों, इन दोनों पे बाबू इनिशियल इनिशियल चार्ज मैंने दिया हुआ है, फाइनल चार्ज बताओ ए इनिशियल क्या है बाबू, क्यू कामा आर और माइनस थ्री क्यू कामा टू आर, समझ गए होगे, इसका रेडियस आर, इसका रेडियस टू आर। मैंने क्या किया बाबू, इन दोनों को एक पतले सुचालक तार से जोड़ दिया, पतले सुचालक तार से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या होगा, आवेश का पुनर्वितरण होगा। आवेश का पुनर्वितरण क्यों होगा मेरे भाई, क्योंकि ऊपर और अंदर आवेश क्या होंगे, समान होंगे। अच्छा ऊपर और अंदर आवेश समान होंगे, ठीक है जल्दी बता फाइनल चार्ज मेरे को बता दे, फाइनल चार्ज मेरे को बता दे। गर कृपा की ये होती ना आदत तुम्हारी,
तो सुनी ही रहती। यहां पे बाबू चार जाएगा जीरो, यहां पे चार जाएगा माइनस टू, क्यों? क्योंकि बताया जा चुका है अंदर चार्ज स्फेरिकल सर्किट टिकता ही नहीं है, क्योंकि अंदर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अभी जब तक कनेक्टेड नहीं था तब तक की बात अलग थी ना, स्फेरिकल सेल है ऐसा समझो ना। इस बार ये अंदर भरा हुआ नहीं है, स्फेरिकल सेल है, दो अलग अलग, एक बॉल ऊपर एक बॉल अंदर, ठीक है, ऐसा कुछ है। यहां पे बाबू चार्ज टिकेगा ही नहीं, चाहो तो इसे पोटेंशियल से करके देख लो। यहां पे ले लो, यहां पे ले लो एक्स चार्ज, यहां पे ले लो थ्री क्यू प्लस टू क्यू माइनस टू क्यू ना, माइनस टू क्यू माइनस एक्स चार्ज कर लो, कर लो, दोनों का पोटेंशियल समान होगा। दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? समान होगा। तुम्हें मालूम है अगर यहां पे कुछ भी चार्ज हुआ, अगर यहां पे कुछ भी चार्ज हुआ तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो अपने आप पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल बढ़ेगा फिर इधर आने में। सीधी सी बात है, इसका चार्ज होना चाहिए बाबू जीरो। बाबू ऑलरेडी बताया जा चुका है, ज्यादा अपन टाइम इस पर वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन अगर पूछेगा तो बाबू सिंपल सवाल है, पीछे वाला नीट उट वालों के बच्चे के लिए समझदार है, ठीक है। बाकी इसमें आओ, ठीक है बाबू, केंद्र है बाबू यहां से, ठीक है, जानते ही हो, मैं लिख देता हूं R 2R 3R, चार्जेज है बाबू 3Q Q 2Q। मैंने ऐसा किया, जानते ही हो बेवकूफ आदमी मैं, कुछ भी उल्टा उट पटांग काम करता रहता हूं। मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, अब बताओ ये कोई करने की बात है? मैंने इन दोनों को जोड़ दिया पतले सुचालक तार से, यही सब काम है मेरा, क्या ही करूँगा मैं, धंधा यार यही तो, इसी बात की मैं पेमेंट लेता हूँ उट पटांग काम करने के। हैं तीनों को बाबू मैंने जब जोड़ दिया तो बताओ अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? अब जो मुझे बताओ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आवेश वितरण कैसा होगा? आवेश वितरण बताइए और इनाम ले जाइए। इनाम रहेगा एक कप पानी, पानी पानी की बाबू क्या ही कहा जाए, बिना पानी के रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चू। देखो यार यहां भी बाबू अब अपन लोग समझते हैं, अब अपन लोग बाबू समझते हैं क्या समझेंगे कि इस पर भी और इस पर भी समान होगा, नहीं समझे? समझो बात, समझो, इस पर भी समान होगा। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग 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 लगाओ। थ्री क्यू और क्यू कितना हुआ सर? 4Q। इस पे ले लो 4Q माइनस एक्स, इस पे ले लो एक्स, लिखना शुरू करो, ठीक है। पोटेंशियल लिखो अंदर वाले पे, अंदर वाले पे पोटेंशियल और बाहर वाले पे पोटेंशियल सेम होगा। बाहर वाले का पोटेंशियल कितना हुआ सर? 4Q माइनस एक्स बाय 4Q माइनस एक्स बाय 3R बराबर किसके होगा बाबू? R। क्या चार्जेस जोड़ना शुरू करो। बाहर वाला पोटेंशियल सुनो, देखो देखो ध्यान से समझो, ध्यान समझो, बाहर वाला पोटेंशियल ठीक है प्लस, बाहर वाला पोटेंशियल प्लस अंदर वाला पोटेंशियल प्लस अंदर वाला पोटेंशियल प्लस इसका वाला पोटेंशियल, क्लिक करें आंसर करते हैं 3R। क्या वो पोटेंशियल x है ना? 3R से सबको, 3×6 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। पहले देखो k हटाते हैं, सबसे पहले k हटाओ, 3 से सबको मल्टीप्लाई करो, 3×6 से 2। अरे दोनों सेम है ना, इन दोनों काट दो, पहले इन दोनों को तो काट ही दो, इन दोनों को सीधे सीधे काट दो, बचे ये दोनों 2Q by 2R is equal to x by R, लेकिन माइनस में R R cancel, x is equal to minus, x is equal to क्या आया बाबू? माइनस क्यू। x क्या हुआ मेरे भाई? माइनस क्यू। यहां कितना आया?
5q. क्लियर है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, माइनस क्यू एंड 5q. ऐसे ही सवाल आएंगे भाई, ज्यादा ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है, ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है. पोटेंशियल सेम करना, पोटेंशियल जीरो करना, ठीक है. हाँ अपन बाबू आ जाएं, एक छोटी सी बात सीखेंगे तब तक के लिए, जिसे बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर. क्या सोचेंगे बाबू, इलेक्ट्रो स्टैटिक स्थिर विद्युत दाब. क्या बाबू, विद्युत दाब, ठीक है, शायद यही बोलते होंगे, विद्युत दाब. देखो बाबू, इसे समझने की बात समझो, खुद समझो, प्रेशर आता कहां से है, दाब आता कहां से है, दाब आता है बल से. किससे बाबू, बल बटा एरिया क्या होता है, बल बटा एरिया, बल बटा क्षेत्रफल क्या होता है, सर दाब. इसे ही बोलते हैं ना बाबू, पी इज इक्वल टू एफ बाई ए. समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हो बाबू. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी कैसी, स्थिर वैद्युत की बल है ना, जो स्थिर वैद्युत की बल है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, उसका अपन एरिया करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, प्री इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आ जाएगा. क्लियर है? हाँ सर क्लियर है. इसे बाबू समझना होगा, जरा सा समझोगे इसे, इसे मैं समझा रहा हूँ, जैसे बात समझो, ये अपने पास है. हाँ सर ठीक है बाबू. ये बता मेरे को, सिंपल सिंपल बात बता मेरे को, पहले बता इसके जस्ट बगल में, इसके इस जगह के जस्ट बगल में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है मेरे को बता. सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सॉरी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई क्या है, एप्सिलॉन नॉट. इतना समझ में आ गया? हाँ सर इतना मेरे को आता है भाई. अब मैं तरह से थोड़ी आगे की बात कर रहा हूँ. ए इलेक्ट्रिक फील्ड जगह से जस्ट अलग किया, ठीक है. मैं पूछ रहा हूं यहां पे बाबू अगर सिग्मा चार्ज है, क्या है बाबू, सिग्मा चार्ज है, इस जगह पे सिग्मा चार्ज है. मैं पूछ रहा हूं इस सिग्मा चार्ज पर कितना बल लग रहा है, इस सिग्मा चार्ज पर कितना बल लग रहा है. तो तुम बोलोगे सर इस सिग्मा चार्ज पर इतना बल लग रहा है ना, इस सिग्मा चार्ज पर जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या हुआ है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सिग्मा. और बाबू मान लो ये एरिया है मेरी डीएस, कितनी एरिया है डीएस, सर बाई डीएस, यही तो हो गया पी इलेक्ट्रोस्टैटिक. क्लियर है? हाँ सर क्लियर है कि नहीं भाई. जो बल लगेगा बाई एरिया, एरिया मैंने मान ली डीएस, हाँ डीएस मान ली ना सर, क्लियर है. आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे, सॉरी इसमें ऊपर, हाँ सॉरी सिग्मा डीएस, सिग्मा चार्ज, चार्ज चार्ज बाबू तेरा सिग्मा चार्ज नहीं है, सिग्मा डॉट डीएस चार्ज है, सिग्मा डीएस चार्ज होगा. खुद सोच, सिग्मा डीएस क्या है, तेरा चार्ज है कि नहीं, सिग्मा डीएस चार्ज है ना. सिग्मा तो तेरा सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व इंटू एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, सिग्मा इंटू डीएस, ठीक है. मैं ऐसे लिख देता हूँ, ई आर इंटू डी क्यू बाई ई आर इंटू डी क्यू बाई एरिया क्या हो गया तुम्हारा, PE हो गया. क्लियर है? क्लियर है सर. एरिया कितना है तुम्हारा, सर ई आर इंटू डी क्यू बाई डी एस. क्लियर है? क्लियर है. देखो भाई आते हैं अंदर की बात पे. यहां पे बाबू अगर मैं इस, मान लो इसमें ऐसे मैंने खोल दिया है, ठीक है, ये जो सरफेस ऐसे था इसको मैंने थोड़ा चौड़ा किया, अंदर बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी, है कि नहीं. हाँ सर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी. मैं अंदर की बात कर रहा हूं. अंदर बाबू देखो, एक तो इस चार्ज के कारण, अपने चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने चार्ज सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस इसे लिखता हूं मैं ई सरफेस, ई अपना पार्ट, ई एरिया और बाकी ई रेस्ट, रेस्ट मतलब बाकी पार्ट, बाकी पार्ट को मैंने लिया रेस्ट, ठीक है, रेस्ट मतलब बाकी. तो ई एरिया और ई बाकी, ई रेस्ट, ठीक है, ई एरिया और ई एरिया प्लस ई रेस्ट बराबर हो रहा होगा जीरो. रेस्ट पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, रेस्ट पार्ट, यहाँ जो बाबू जो सरफेस पे बाबू जो आवेश का वितरण है, इसके कारण भी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र होगा. हाँ सर समझ गए, इसके कारण बाबू जो विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर, वो इस पार्ट के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसको कैंसिल कर रहा होगा. हाँ सर समझ गए, दोनों अपने को समझ आ गई. ई ए प्लस ई आर बराबर सुनना, हाँ
लेकिन यहां पे दोनों सर कैंसिल कर रहे होंगे, ऐसा मान सकते हैं। यहां पे दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि इस वाले पार्ट का इधर लग रहा है, इस वाले पार्ट का उधर लग रहा है। हाँ सर समझ गए, इस वाले पार्ट का, ये बड़े वाले पार्ट का उधर लग रहा है, अंदर वाले पार्ट का इधर लग रहा है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना, अंदर वाले पार्ट पर इधर लग रहा है, इधर वाले पार्ट पर उधर लग रहा है। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, ठीक है। ई ए प्लस ई आर बराबर सुनना, ठीक है। यहां पे बाबू मैं ऐसे कर रहा हूं, बात समझो, ई ए इधर लग रहा, ई मैं दिखा देता हूं, ई एरिया इधर लग रही है, ई आर इधर लग रहा है। क्लियर है, क्लियर है बाबू। यहां पर की जो बात है ना, ए वाली जो ई लिखा हुआ है, यहां पे क्या है, ई ए और ई आर दोनों एक दिशा में लग रहे हैं। यहां पे उल्टा लिख दिया, सॉरी ई ए माइनस ई आर कर देता हूं, ऐसे समझ में आ जाएगा। ई ए डायरेक्शन अपोजिट है ना, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस कर देते हैं। ई आर वैल्यू में समझ में आएगा, वैल्यू में समझ में आएगा, वैसे जोड़ना ही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट अपोजिट है, ऐसे ऐसे सही है। ई ए इधर लग रहा है, ये ई आर उधर लग रहा है। लेकिन भाई जब मैं इस सरफेस के अंदर की जगह बाहर जा रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या हाल है बाबू, इस पॉइंट पे ना दोनों इधर लग रहे हैं, ई ए भी ई आर भी, इन दोनों को जोड़ दो। ई ए प्लस ई आर कितना है सर, दोनों सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। ई ए प्लस ई आर कितना है तुम्हारा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तुम्हारा ई आर कितना आया सर, ई आर आ गया सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर ही तो हैं, दोनों क्या हैं बाबू, दोनों बराबर है ना, ई ए और ई आर, ई ए बराबर ई आर है ना, ये और यार दोनों बराबर है, तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो बताओ बाबू तुम्हारा सिग्मा यार कितना आया सर, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इनटू बाबू डी क्यू कितना है तुम्हारा, सिग्मा डी एस बाई एरिया कितनी है तुम्हारी, डी एस इज इक्वल टू पी, दैट इंप्लाइज सिग्मा स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट बाबू, यही इतना है तुम्हारा इलेक्ट्रो, इसे को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इसे बोलते हैं हम, स्थिर वैद्युत की दाब, इसे क्या इसका है, सिग्मा स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट। बस बाबू इसी के साथ आज इजाज़त दे ही दो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगली क्लास में ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाबू अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी है आपके लिए पी वाई क्यूज और बहुत कुछ, क्योंकि अभी बाबू शुरू किया है मैंने, अभी एडवांस लेवल भी लेके जाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलता हूँ अगली क्लास में, ठीक है।